हेलो गाइस, वेलकम टू सतरडू चैनल सेमी दिस साइड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, केमिस्ट्री, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्लास 9th। सो वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर व्हाट इज एटम। एज वी ऑल नो, शुगर, सॉल्ट, सैंड, डायमंड, ग्रेफाइट, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, वुड, रॉक्स, मिनरल, फूड्स एंड फैब्रिक्स आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर। ये सब हमने स्टडी किया प्रीवियस 2 चैप्टर्स में। मैटर क्या है? मैटर इज कॉल्ड पदार्थ इन हिंदी। एन इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनड, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट फर्स्ट पर्सन टू प्रपोज द मैटर और पदार्थ इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स परमाणु। जॉन डाल्टन ने इन्हीं स्मॉल पार्टिकल्स को एटम का नाम दिया। तो वर्ड एटम मीन्स इनडिविजिबल, समथिंग विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। और इन्होंने ये भी बताया कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू विच डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर ऑल्सो शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जब उनकी एटम्स अलग अलग तरह के होंगे, मॉलिक्यूल्स अलग अलग तरह के होंगे, तो ऑब्वियसली उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को, डिफरेंट नेचर को शो करेंगे, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल उनमें लॉज, उन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमको प्रोवाइड किए। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या आ जाता है? देयर आर 3 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और मैटर, सेकेंड वन इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन, एंड थर्ड इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करेंगे जो एंटोनी लेवोइजर एक केमिस्ट रहे हैं आफ्टर फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद, उन्होंने ये लॉ को रिप्रेजेंट किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एज वी ऑल नो विद दिस और फेमिलियर विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका आते ही हमें पता चल जाता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये हमारा लॉ, तो मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। It was given by Levoisier in 1774 after the French Revolution. Substances which combine together in a chemical reaction are known as reactants, whereas the new substances are formed are called the reactants. यानी कि products, left hand side पे जो reaction होता है वो reactants होते हैं, और जो substances new form होते हैं वो product होते हैं, everyone know. There is no change in mass during a chemical reaction. कोई change होता ही नहीं है। अगर हम देखें टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इंक्लूड्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस इंक्लूडिंग एयर दैट आर ए पार्ट ऑफ रिएक्शन, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या इक्वेशन है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, 100 ग्राम लिया हमने उसको और हीट अप किया, तो हीट अप करने से 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को इसकी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है 56 ग्राम का, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है 44 ग्राम की। इसका मतलब 56 प्लस 44 100 ग्राम हो गया, और 100 ग्राम ही हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, तो ये तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है रिएक्टेंट में 100 ग्राम मास रखता है, और जो आगे इसकी रिएक्शन फॉर्म होती है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोडक्ट्स, तो उनका टोटल मास भी 56 प्लस 44 यानी कि 100 ग्राम है। तो सिंस टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, इट मीन्स देयर इज नो चेंज ऑफ मास ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। इसका तो ये क्लियर ही हो गया कि मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट्स, तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी जो है वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंड वन इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन, इट वॉज गिवन बाय द प्रोस्ट इन 1779, ये भी एक केमिस्ट थे, और इन्होंने बताया कि ही ने एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स एंड केम टू द कंक्लूजन दैट प्रपोर्शन ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉन्स्टेंट। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन प्रोस्ट फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टूगेदर इन सेम प्रपोर्शन बाय मास। How he prove we will see. For example, water is a compound,
एंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. सबको पता है वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है, 1:8 की रेशो होती है इन दोनों की, ठीक है. और इसी तरह से अगर हम डीकम्पोज कर दें 100 ग्राम्स ऑफ प्योर वाटर को बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, देन 11 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 89 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर ऑब्टेंड. और इसी प्रोसेस को अगर हम रिपीट करते हैं तो हम देखेंगे सेम मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स आर ऑब्टेंड इन एवरी केस, सब में सेम रहेगा. दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन का अमोनिया. अमोनिया NH3 से बनता है, ठीक है. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रेशो होती है कंबाइन करके 14:3 की रेशो होती है अगर इसको हम देखें तो इसमें भी इसी तरह से डेफिनेट प्रपोर्शन में लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन शो होती है. इसको हम कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू भी समझेंगे. ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज एटम. एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर दैट फॉर्म्स अ केमिकल एलिमेंट. एवरी सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा इज कंपोज्ड ऑफ न्यूट्रल और आयोनाइज्ड एटम्स. एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, टिपिकली अराउंड 100 पिक्टोमीटर अक्रॉस. एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मैटर का. लास्ट चैप्टर में हमने मैटर के बारे में डिस्कस किया था, व्हाट इज मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज इट्स मास इज कॉल्ड मैटर. तो ये एलिमेंट जो है उसी का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है. दे आर सो स्मॉल दैट एक्यूरेटली प्रिडिक्टिंग देयर बिहेवियर. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी डाल्टन्स एटमिक थ्योरी, राइट. तो डाल्टन एटमिक थ्योरी, डाल्टन कौन थे, वो भी एक केमिस्ट थे. उन्होंने क्या बताया था, थ्योरी थी ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल इज कॉल्ड द एटमिक थ्योरी ऑफ मैटर. इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, राइट.